हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, आज जिस लोकेशन पे हम आपको लेकर आए हैं इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको लेकर आए हैं मानसरोवर के पत्रकार कॉलोनी महाराजा किशन नगर में, जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों बहुत ही शानदार विला। विला दोस्तों, इसमें हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे हमने 100 गज में एक बहुत ही शानदार स्पेस मैनेजमेंट किया है। साथ ही में दोस्तों, इस विला में आपको 3 फ्लोर्स बनाकर दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब 3 फ्लोर्स की बात आती है तो स्टेयर्स चढ़ना उतरना काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है, तो इसी तर्ज पे हमने दोस्तों यहाँ पर आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी दी है, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो 100 गज में ये बना हुआ है दोस्तों 15x60 के डायमेंशन में, और साथ ही में ईस्ट फेसिंग ये घर रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं इसके एंट्रेंस पर और इसका एंट्रेंस और पार्किंग हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस विला के एंट्रेंस पर। आप देख सकते हैं इसका शानदार एलिवेशन, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ में इसको बनाया गया है। ये इसकी एंट्रेंस हो जाती है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर ये विला आपको मिल जाएगा। 100 गज में बना हुआ है और ईस्ट फेसिंग ये रहने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हो जाता है आपका बम एरिया, और यहाँ पर आप देखेंगे एंट्रेंस पे आपको मिल जाएगा वाइड आयरन का डोर। यहाँ से इजीली आपकी 4-व्हीलर एंटर कर सकती है। और सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वीडियो डोर फोन की फैसिलिटी भी दी गई है। तो जैसे ही हम अंदर आएंगे दोस्तों, ये आ जाएगा स्पेशियस पोर्च एरिया, जो कि 15x18 के डायमेंशन में आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा स्पेस रहने वाला है आपके पार्किंग का, आप देख सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, डेकोरेट किया गया है। आर्टिफिशियल ग्रास का यहाँ पे यूज़ किया है और कुछ प्लांटेशन यहाँ पे किया है, जो कि आपके एंट्रेंस को और भी इन्हेंस कर रहा है। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों यहाँ से विला के अंदर, जहाँ आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाइड विंडो मिल जाती है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आपके लिविंग स्पेस में जाती रहेगी और वेंटिलेशन भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये आ जाती है आपकी मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस पे आप देखेंगे कि वुडन हैवी डोर आपको मिल जाएगा प्रीमियम हैंडल के साथ में। काफ़ी लेंथ इसकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से एंटर करते ही आपको मिल जाएगा बहुत ही स्पेशियस लिविंग स्पेस आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो विला है इसके अंदर हमने एक काम इंटीरियर का वर्क किया है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी काम रखा है यहाँ पर, एक सिंपल लुक देने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क मिल जाएगा बैक वॉल पे, जिसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं लाइट कलर कॉम्बिनेशन रखा है। मेटल वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 चेयर्स लगा के दी जा रही है, आप देख सकते हैं एक रॉयल लुक के साथ में आपको कुशन चेयर यहाँ पर मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। स्टेयर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्टेयर के नीचे काफ़ी लोगों की चॉइस होती है कि उनको स्टोरेज नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट किया गया है। ऐसा आप भी अपने घर में कर सकते हैं अगर आपको आपके स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज नहीं रखना है तो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मिलती है लिफ्ट की फैसिलिटी, तो ये आ जाती है आपकी लिफ्ट, जो कि आपको लेकर जाएगी 3rd फ्लोर तक। यहाँ से हम दोस्तों आगे चलते हैं, तो स्टेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने स्टेयर्स का जो स्पेस है बीच में कम रखने की कोशिश की है, ताकि जो आपका 1st फ्लोर का लॉबी एरिया है वो आपको प्रॉपर स्पेस में मिल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर, हम चाहते तो यहाँ पर किचन हम बना सकते थे, बट आपका पार्किंग स्पेस आपको प्रॉपर मिल सके इसलिए हमने यहाँ पर आपको किचन नहीं दी है। किचन हमने दी है दोस्तों इसके 1st फ्लोर पर, जो कि अभी हम देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों यहाँ के
बेडरूम की तरफ ये मल्टीपर्पस रूम रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आपका मल्टीपर्पस रूम जहां पर आपको एक प्रोजेक्टर भी लगा के दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लगा के दिया जा रहा है, तो ये आपका होम थिएटर भी बन सकता है। साथ ही में बेड लगाने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो 15x11 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल जाएगा। बेड के दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि वुडन की आपको टेबल मिल जाती है। साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ज़्यादा कोई वॉलपेपर्स का या ज़्यादा इंटीरियर वर्क नहीं किया है, बिकॉज हमने इसको एक काम लुक देने की कोशिश की है, इसलिए इसको सिंपल रखने की हमने कोशिश की है। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए दोस्तों मिल जाती है एक गैलरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाइट विंडो भी मिल जाती है। साथ ही में आपको एक गैलरी मिल जाती है जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा और आप चाहें तो इसे वॉशिंग एरिया के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो वीटी रोड और न्यू सांगानेर रोड से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। परशुराम सर्कल से मात्र 400 मीटर के डिस्टेंस पर ही ये लोकेटेड है। स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंट एंसलम और विल्फ्रेड स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है और हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो धन्वंतरी हॉस्पिटल यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है। कनेक्टिविटी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों इस विला में आपको चारों रूम्स में मिल जाती है बालकनी, तो वेंटिलेशन का सोर्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका अटैच वॉशरूम प्लस ड्रेसिंग एरिया, सेपरेट ड्रेसिंग एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फुल सीलिंग तक आपको वुडन की वार्डरोब्स मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। स्टोरेज के लिए स्पेस काफी अच्छा रहने वाला है। 5x8 के डायमेंशन में मिल जाता है आपको अटैच वॉशरूम। आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपका वेट एरिया सेपरेट हो जाता है और अगर आप चाहें इसे सेपरेट और करने के लिए तो आप यहाँ पर टफन ग्लास के गेट का यूज कर सकते हैं, वो आप लगवा सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी सीट जो कि वॉल माउंट रहने वाली है। ब्रांडेड फिटिंग्स दोस्तों यहाँ पर की गई है, सेरा और जैक्वार के फिटिंग्स यहाँ पर की गई हैं, आप देख सकते हैं। वाइड मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है और ये आपका वॉश बेसिन आ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है दोस्तों इस विला को। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहां हम देखेंगे किचन और हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता देती हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है JDA अप्रूव्ड है और साथ ही में इंडिविजुअल JDA पट्टा भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से आपको आपके स्टेयर्स का प्रोविजन भी मिल जाता है, साथ ही में लिफ्ट तो आपको यहाँ मिल ही रही है। रेलिंग आप देख सकते हैं आयरन की रेलिंग आपको मिल जाएगी और इसमें बीच में टफन ग्लासेस का वर्क भी आपको मिल जाएगा। स्टेयर्स पे आपको यहाँ पे फुट लैंप्स दिए हुए हैं ताकि नाइट में आपको यहाँ से चढ़ने उतरने में कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो 15x30 के डायमेंशन में आपको स्पेशियस लॉबी एरिया यहाँ पर मिल जाता है जहाँ पर आपका सेपरेट डाइनिंग एरिया भी हो जाएगा, साथ ही में आपका लिविंग स्पेस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि 5 to 7 seater सोफा आपको यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। बीच में आपकी वुडन की सेंटर टेबल हो जाती है। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है, बीच बीच में वुडन वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। बैक वॉल पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर का वर्क मिल जाएगा, काम कलर्स का यूज किया है आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफी अच्छा आपका लिविंग एरिया हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस, आप देख सकते हैं 6 seater डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है एक बालकनी और विंडोज भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगी, तो प्रॉपर यहाँ से वेंटिलेशन भी बना रहेगा और सनलाइट भी आपके लिविंग एरिया में आती रहेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी आपको बालकनी मिल जाती है, फ्लोरिंग पे टाइल वर्क आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा।
तो जैसे हम आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका वॉश बेसिन एरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आपका वॉश बेसिन एरिया हो जाता है, और जैक्वार के यहाँ पे आपको फिटिंग्स मिल जाएंगी। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है, ताकि घर में अगर गेस्ट वगैरह आए तो वो इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉमन वॉशरूम, टाइल का वर्क आपको मिल जाएगा वॉल्स पे। साथ ही में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लिफ्ट है वो आपको आपके फर्स्ट फ्लोर तक लेकर आएगी, वहाँ आपकी लिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बेडरूम और किचन। तो चलिए हम चलते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन की तरफ। दोस्तों 7x12 के डायमेंशन में मिल जाएगा आपको मॉड्यूलर किचन। देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। एल शेप में हो जाएगा आपका काउंटर टॉप। नीचे आपको काफी सारे ड्रॉर्स मिल जाएंगे जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ में रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको हिंदवेयर की चिमनी की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही में आपको यहाँ पर विंडो भी मिल जाती है जहाँ से आपका वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा। काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर स्टोरेज के लिए, और बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं डार्क कलर के टाइल्स का यूज़ किया है, ताकि अगर खाना बनाते वक्त कुछ छींटे वगैरह भी लग जाए तो कोई इशू नहीं होगा, इजीली वाइप हो जाएगा। और प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। सिंक आप देख सकते हैं डबल सिंक आपको मिल जाता है, ड्रेनर भी आपको मिल जाता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईजिली आप वॉश कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो डोर फोन की फैसिलिटी मिल रही है, इससे कि अगर आपके मेन डोर पे कोई भी विजिटर आता है तो डायरेक्ट आपको यहाँ कनेक्ट कर सकता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपकी लिफ्ट आ जाती है दोस्तों, और इसी के बिल्कुल पास में आपको मिल जाएगा सेकेंड बेडरूम। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा स्पेशियस सेकंड बेडरूम। इसके डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो 15x11 के डायमेंशन में आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि बेड लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। बेड के पीछे आपको कुशन वर्क मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही लाइट किया गया है, काम रखे गए हैं। बिल्कुल बेड के सामने आ जाएगा LED पैनल, वुडन LED पैनल आपको मिल जाएगा। इसमें प्रोफाइल लाइट का भी यूज़ किया गया है जो कि आपके LED पैनल को और इन्हेंस कर देता है। साथ ही में यहाँ पर आपको मिल जाएगी गैलरी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और आप चाहें तो इसे वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन का सोर्स यहाँ से मिलता रहेगा, और सनलाइट भी आपके रूम में आती रहेगी। साथ ही में यहाँ हमें मिल जाएगा अटैच वॉशरूम प्लस सेपरेट ड्रेसिंग एरिया। दोस्तों ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। फुल सीलिंग तक आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगी, 3 वार्डरोब आपको मिल जाती है, तो कोई भी आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं आने वाली है। 5x8 के डायमेंशन में रहेगा आपका वॉशरूम। आप देख सकते हैं इसमें फुल वॉल पे आपको टाइल का वर्क मिल जाता है। साथ ही में जो आपका वेट एरिया है वो सेपरेट हो जाता है, ये आपकी सीट हो जाएगी, वॉल माउंट रहने वाली है, और वॉश बेसिन भी आप देख सकते हैं वॉल माउंट आपका वॉश बेसिन रहने वाला है। जैक्वार की फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्रांडेड फिटिंग्स है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा है। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों इसके सेकेंड फ्लोर पर। चलते चलते दोस्तों मैं आपको इस प्रोजेक्ट के प्राइस के बारे में भी बता देती हूँ। इस विला का जो प्राइस है दोस्तों, एज इट इज आप जो देख रहे हैं, 1,25,00,000 में आपको ये विला मिल जाएगा। 100 गज में बना हुआ है, 15x60 के डायमेंशन में, साथ ही में ईस्ट फेसिंग ये रहने वाला है। वास्तु के अकॉर्डिंग दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों ये आ जाती है हमारी स्टेयर्स, और अगर आप चाहें लिफ्ट से जाना तो लिफ्ट की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा सेकंड फ्लोर, जहाँ पर भी आपको एक स्पेशियस लॉबी एरिया मिल जाता है। आप चाहें तो इसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप यहाँ पर सोफा भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाती है हमारी लिफ्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3rd फ्लोर तक आपकी लिफ्ट आपको ले आएगी। यहाँ हम देखने वाले हैं दोस्तों 2 मास्टर बेडरूम हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे 3rd बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये आ जाता है हमारा 3rd बेडरूम। 15x11 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। बेड लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा वॉकिंग के लिए आपको अराउंड में स्पेस मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम।
बेड के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा एलईडी पैनल, वुडन एलईडी पैनल आपको मिल जाता है जो कि वॉल माउंट रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक अच्छा स्पेस मिल रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेयर्स भी लगा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिल जाती है एक बालकनी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये जो विला है फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाला है, वेंटिलेशन का प्रॉपर सोर्स आपको मिल जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से वेंटिलेशन भी बना रहेगा और सनलाइट भी आपके रूम में आती रहेगी। यहाँ आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाता है और 5x8 के डायमेंशन में मिल जाएगा आपको अटैच वॉशरूम। सेपरेट हो जाता है आपका वेट एरिया, आप चाहें तो यहाँ पे टफन ग्लासेस का डोर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी सीट, ये आपका वॉश बेसिन हो जाता है। अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ, जिसमें हमें मिलेगी एक स्पेशियस बालकनी। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाती है वार्डरोब, फुल सीलिंग तक वुडन के वार्डरोब्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और आगे आते ही आप देखेंगे कि स्पेशियस बेडरूम आपको मिल जाता है 15x11 के डायमेंशन में। आपको बेड के पीछे कुशन वर्क मिल जाएगा, साथ ही में दोनों साइड में आपको मिल जाती है टेबल और पावर प्लग की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। सामने आ जाएगा एलईडी पैनल, वुडन एलईडी पैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वॉल माउंट रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका अटैच वॉशरूम, यहाँ पर आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम 5x8 के डायमेंशन में। वॉल्स पे आप देख सकते हैं टाइल्स का वर्क आपको मिल जाएगा, फ्लोरिंग पे टाइल्स का वर्क मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे हो जाती है आपकी सीट और ये आपका वॉश बेसिन। अभी हम चलते हैं हमारी बालकनी की तरफ, यहाँ पर आपको मिल जाती है स्पेशियस बालकनी और साथ ही में यहाँ पर आपको विंडो भी मिल जाती है दोस्तों, प्रॉपर सनलाइट के लिए आपके रूम में यहाँ पे सनलाइट इजीली आती रहेगी। एसी के लिए आपको यहाँ पे फिटिंग दी गई है। तो ये आ जाती है दोस्तों हमारी बालकनी। फ्लोरिंग पे आप देखेंगे टाइल वर्क आपको दिख जाएगा, साथ ही में यहाँ पे स्टील की रेलिंग और टफन ग्लास का यूज किया गया है। प्लांट यहाँ पर लगाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी बालकनी को डेकोरेट किया है। आप जैसे भी चाहें आप अपनी बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो के थ्रू भी आइडियाज़ ले सकते हैं अपनी बालकनी को डेकोरेट करने के लिए। टैब आपको यहाँ पर दिया गया है तो आप इसे वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं और साथ ही में आपको मेन रूफ पे जाने के लिए भी यहाँ से प्रोविजन मिल जाता है। तो इसी के साथ में दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस घर में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।